सच्चा धर्मात्मा कौन? सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति के हृदय में प्रेम, ईमानदारी, सत्यता, उदारता, दया, श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के भाव उत्पन्न होते हैं। ये सब आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। यही मनुष्य की स्थायी शक्तियां हैं। इनको प्राप्त करने का उस समय तक प्रयत्न करते रहना चाहिए जब तक कि समस्त जीवन पूरी तरह इनमें रंग न जाए। जिस आदमी में ये सब गुण मौजूद हैं, वास्तव में वही आध्यात्मिक व्यक्ति है। इसी सत्य के आधार पर वो परमात्मा से मिल सकता है। ईश्वर भक्ति का मार्ग किसी धर्म विशेष या किसी कर्मकांड में सीमित नहीं है। ये तो आत्मा की गंभीरता में विद्यमान है। केवल ईश्वर ईश्वर रटने वाले धर्मात्मा नहीं होते, वरन वे ही व्यक्ति धर्मात्मा होते हैं जो परमात्मा के आदेशों पर अथवा उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। धन्य हैं वे आदमी जो परमात्मा का उपदेश सुनते हैं और उसके अनुसार आचरण करते हैं। जो आत्मा इस सुंदर जीवन में पदार्पण कर चुकी, उसके लिए अंतर्ज्ञान का दरवाजा खुला हुआ है। शुद्ध हृदय वाले आदमी धन्य हैं, क्योंकि वे ही परमात्मा का दर्शन करेंगे। इस दर्शन में जो आनंद है, उसका वर्णन कौन कर सकता है? अखंड ज्योति, जनवरी 1941, मुख पृष्ठ।